हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी पढ़ाया था। उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से आज इस क्लास में यूज करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या देखा था। मैं पूरा तो रिकैप नहीं दिखाऊंगा, बट उतना जरूर दिखाऊंगा जितना आज की क्लास में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जीपी में एक nth टर्म का फॉर्मूला बताया था, दैट इज ए एन, बिल्कुल सही है। और उसका फॉर्मूला हमारे पास था ए इंटू आर पावर एन माइनस वन, ठीक है, जो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से हम लोग लेकर के आते हैं। इसके बाद मैंने आपको जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज या फिर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला प्रूव करवाया था। वो जो मेथड है उस मेथड का नाम मैंने आपको बताया था एमओडी, एमओडी यानी मेथड ऑफ डिफरेंसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक बार उसे वापस से देख लेते हैं। अगर आपको सम चाहिए जीपी का, तो जीपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए, और सम चाहिए तो प्लस लगा देते हैं, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन, द लास्ट टर्म शुड बी ए आर पावर एन माइनस वन, बिल्कुल ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये वाला इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जब आप यहाँ पर यूज करते हैं तो आपको जीपी में सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ता है कि जो आपकी जीपी है उसमें कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो पता करना बहुत आसान है। एनी टर्म नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय द प्रीसीडिंग टर्म। आप कोई सा भी टर्म पकड़ ले, जैसे मैंने सेकेंड टर्म पकड़ लिया ए आर, उसमें प्रीवियस टर्म का डिवाइड दे ए का, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज द कॉमन रेशियो आर। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमारी जीपी को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे करके लिखना होता है। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से आप लोगों को दिखाऊं, तो बिकॉज ये फर्स्ट टर्म ए है और मैंने आर से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम ए आर, ठीक है। और ये ए आर है, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे ए आर स्क्वायर। तो बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही हम किसी को भी उस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, ये ए आर की पावर एन माइनस वन बनेगा, वट एवर एन 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 माइनस वन बन जाएगा, और इसके बाद अगला टर्म बन जाएगा ए आर पावर एन। तो मेन पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी को भी इस मेथड से यू मल्टीप्लाई करके एक आर से मल्टीप्लाई यानी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे करके लिखते हैं, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो भी टर्म आपके आर या आर स्क्वायर वाले होते हैं वो एक के नीचे एक आ जाते हैं, मतलब ये कॉमन रेशियो सेम हो जाता है इनका। और अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ डिफरेंस। यहाँ से हम जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बीच के सारे टर्म्स हैं वो तो कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास सिंपली क्या बचता है, फर्स्ट और लास्ट। और यहाँ से एस कॉमन लेने के बाद बचेगा वन माइनस आर, दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट इज ए माइनस लास्ट इज ए इंटू आर पावर एन, एंड फाइनली एस इज इक्वल टू ए कॉमन ले लें और वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला डेवलप हो जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट मेथड है, इसी मेथड के यूज से हम आगे आज के जितने भी क्वेश्चन है वो सब देखने वाले हैं। चलिए, ये तो एक क्विक रिवीजन था, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एजीपी। एजीपी यानी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी तक हमने जीपी पढ़ी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये एजीपी है। एजीपी का मतलब क्या है कि इसमें आपको ऐसी सीरीज मिलेगी, ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जो अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक दोनों का मिक्सचर है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मैं एग्जाम्पल आपको सिंपली दे सकता हूँ, ए स्क्वायर टू ए क्यूब थ्री ए पावर फोर फोर ए पावर फाइव एंड सो ऑन। हम इसको सिंपली बहुत इजीली देख सकते हैं कि यार यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वन होगा, आपको तो पता ही है। आप सिंपली देख सकते हो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वन टू थ्री फोर वो सब एपी के अंदर है, ये सब तो एपी के अंदर है। और इसके अलावा जो बाकी की वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर और ए क्यूब ए पावर फोर ए पावर फाइव, ये सब किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। तो ये सीक्वेंस जिसमें एपी जीपी दोनों मिक्स है ना, समझना मेरी बात को, कि आप कोई सा भी टर्म अगर पकड़ते हैं, जैसे आपने ये टर्म पकड़ा तो इसमें थ्री और ए पावर फोर दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब एपी जीपी का मिक्सचर है, इसीलिए इसको एजीपी बोलते हैं। तो इस टाइप की सीक्वेंसेस को हम बोलेंगे एजीपी। और इन एजीपीज का हम सम कैसे निकालते हैं वो हमें सीखना है। आइए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इफ मॉड एक्स इज लेस देन वन देन फाइंड सम ऑफ द इनफाइनाइट सीक्वेंस, जो यहाँ पे लिखा है वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और डैश डैश करके मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म है।
तो आप सिंपली सबसे पहले एक चीज फील कीजिए कि मॉड एक्स लेस देन वन है, मॉड एक्स लेस देन वन है, ठीक है। और सिंपली आप देखिए कि जो 1, 2, 3, 4 आपके पास आगे न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है, ये सब किस में दे रखी है, एपी में दे रखी है। पीछे की तरफ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो गया, अगर यहाँ पे एक्स एक्स पावर वन है तो प्रीवियसली क्या हो जाएगा, एक्स पावर जीरो हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और वो सब किस में आ गई, आपके पास जीपी में आ गई। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, एजीपी हो गया, है ना। इस एजीपी में आपको सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकालनी है, यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम निकालना है। देखिए, इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम निकालने के लिए कोई नई तरीका नहीं है, कोई नई टेक्निक नहीं है, वही जो हमने मेथड ऑफ डिफरेंस अभी तक पढ़ा है हमें उसी का यूज करना है ना। मैंने जो आपको प्रीवियसली प्रूव करवाया वो मेथड ऑफ डिफरेंस जीपी के अंदर करवाया। जब आपके पास एजीपी आती है, यानी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आती है, तब भी आपको सेम मेथड का यूज करना है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जीपी है जिसमें आपको इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम चाहिए, कॉमन रेशियो आप सिंपली अज्यूम कर सकते हैं या आप सिंपली देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और प्रीवियसली एक्स पावर वन है, सिमिलरली यहाँ पे एक्स क्यूब है इसके प्रीवियस एक्स स्क्वायर है। कॉमन रेशियो होता है एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म, या फिर ऐसे भी कर सकते थे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर वन, यहाँ से तो हर तरीके से ये एक्स आता है। आपका कॉमन रेशियो लेस देन वन है, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि इनफाइनाइट सीरीज का सम तभी निकलता है जब कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि मॉड ऑफ कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन वन होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एस जो आपको सम चाहिए, दैट इज 1 + 2x + 3x² + 4x³ एंड सो ऑन, इट इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अब सेम मेथड ऑफ डिफरेंस जो कहता है कि आप अपनी पूरी सीरीज को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, हियर इज द कॉमन रेशियो एक्स, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और एक स्टेप आगे करके लिखिए। 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम एक्स, 2x को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 2x², इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 3x³ एंड सो ऑन। क्योंकि ये nth टर्म तक नहीं गया, ध्यान से सुनना, बिकॉज ये इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है तो आपको पता ही है कि जीपी में अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन है जो ये यहाँ पे दे रखा है तो ये टर्म्स धीरे 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 डिक्रीज होती जाती है। तो इन दैट केस हम इसका लास्ट टर्म जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज क्या होता कि एक सीरीज में अगर एन टर्म्स होते हैं, जो मैं यहाँ पे जैसे ये पॉइंट से शो कर रहा हूँ, ये इस तरीके से एन टर्म होते हैं, और अगर आप इसी सीरीज को एक स्टेप आगे करके लिखो एन टर्म्स को, तो खत्म भी वो एक स्टेप आगे होती है। इट मीन्स क्या बेटा कि अगर स्टार्टिंग एक स्टेप आगे से हुआ है तो एंड भी क्या होना चाहिए, एक स्टेप आगे से होना चाहिए। बट ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है इसीलिए आप लास्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही इजी बन जाता है, ठीक है, है ना। तो अब हमें कुछ नहीं करना, मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करना है। मेथड ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने इन सबका सिंबल साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और फाइनली साइन चेंज करने के बाद मैं इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए एस माइनस एस एक्स, इसमें से एस को कॉमन लेंगे, अंदर क्या आएगा 1 - x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, तो वैसा का वैसा नीचे उतर जाएगा आपका। नाउ 2x - x, 2x - x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। 3x² - 2x² सिंपली क्या बन जाएगा, x² अगला क्या बन जाएगा, x³ एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप फील कर सकते हैं कि आपके पास जो भी सीक्वेंस यहाँ पर आई है, ये सीक्वेंस अपने आप में, मतलब ये आगे तक जा रही है, ये सीक्वेंस अपने आप में किसमें दे रखी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो थॉट समझना मेरा जो मैं बता रहा हूँ, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एजीपी दी होती है, देखो स्टार्टिंग में आपको एजीपी दी थी, ये आपको एजीपी दी थी, अगर आप इसमें एक बार एमओडी लगा देते हैं, यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ जीपी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब अर्थमेटिक जो सीरीज है वो गायब हो जाती है ना। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल जीपी में है ना। अब हमें जीपी के सम का फॉर्मूला आता है, हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एस एंड ब्रैकेट में 1 - x, दैट इज इक्वल टू जीपी में इनफाइनाइट सीरीज के सम का फॉर्मूला, एस इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन 1 - r। बाय हार्ट आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, एस इंफिनिटी a अपॉन 1 - r, a इज 1 अपॉन 1 - r, कॉमन रेशियो इज x, देन सिंपली s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 - x² और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से विल सी कि जितने भी क्वेश्चंस एजीपी के होते हैं, उन सभी एजीपी के क्वेश्चंस के अंदर हमें मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करना पड़ता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करते टाइम जब आप एजीपी लगाते सॉरी मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं तो आपकी एजीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, जीपी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैं आगे आप लोगों को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा।
तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में हम लेते हुए चलते हैं। आपको यहाँ पे बोला है फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स एंड एस इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें पूछी हैं, एक तो सम ऑफ एन टर्म्स भी पूछा है और एस इनफाइनाइट भी पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज 1 + 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब प्लस डैश डैश डैश। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसमें हम सबसे पहले एन टर्म्स का सम निकालेंगे, उसके बाद हम एस इंफिनिटी पे आगे बढ़ेंगे। आप सबसे पहले एक चीज फील कीजिए कि जो ऊपर आपको सीक्वेंस गिवन है, मैं साइड में नोट करता हूँ, ऊपर आपको जो सीक्वेंस गिवन है दैट इज 1, 4, 7 जो ऊपर नंबर दे रखे हैं, आप फील कर सकते हैं ये किसके अंदर है, एटी के अंदर है। सबका कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, सभी का 3 आ रहा है। इसका मतलब ये तो एपी में है, और नीचे वाली सीक्वेंस में लिखता हूँ 1 और प्लस लगा दो कॉमा लगा दो, एक ही बात है, 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब। आप देख सकते हैं ये जो सीक्वेंस दे रखी है किसमें दे रखी है, जीपी में, यानी कि ये एजीपी है। सबसे पहले टास्क यही है कि आपको अपनी सीक्वेंस को देख के पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि किस कंडीशन में दे रखी है, क्या ये प्योर जीपी है, क्या ये एजीपी है या कोई और तरीका है। वो सीक्वेंस पहचान के उससे रिलेटेड मेथड का हम यूज करेंगे। यहाँ पे ये एजीपी है तो मैं मेथड ऑफ डिफरेंस से स्टार्ट हो जाता हूँ, 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब प्लस डैश डैश डैश। अब आप सबको एक प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला है कि सबसे पहले हमें एन टर्म्स का सम निकालना है, इट मींस बच्चा आप लोगों को एंथ टर्म पता होनी चाहिए। सही बात है ना, एन टर्म्स का सम पता करना है तो एनथ टर्म भी तो पता होनी चाहिए ना। तो यही एक सबसे बड़ा टास्क होता है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आपकी जो एनथ टर्म है वो कौन सी एनथ टर्म आए, ठीक है, जिसके लिए आप इसको सॉल्व कर सको। सबसे पहले हमें इसका एनथ टर्म यानी कि जनरल टर्म निकालना है। आप एक चीज को फील कीजिए कि ऊपर एपी है 1, ठीक है, देन 4, देन 7, देन 10, तो मैं इसका एनथ टर्म निकालता हूँ। एपी का एनथ टर्म निकालना तो बड़ा आसान है, फॉर्मूला ए एन आपको पता होगा, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। आई होप समझ आ रहा होगा, ऊपर न्यूमरेटर में एपी चल रही है, नीचे डिनोमिनेटर में जीपी चल रही है। न्यूमरेटर में एपी है तो एनथ टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, ए इज 1 + n - 1 × d, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला था दैट इज 3। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3n + 1 - 3 यानी कि -2, दैट इज 3n - 2। आप चाहें तो इस 3n - 2 को चेक भी कर सकते हैं कि वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स, आप n की वैल्यू पुट करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n 3 पुट करूंगा, 3 3 = 9 - 2 = 7, देखिए 7 इज वेरी करेक्ट, आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। आप 4 पुट कीजिए, 4 3 = 12 - 2 = 10, 10 इज वेरी करेक्ट, आपका आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। नीचे की तरफ आपके पास जीपी चल रही है, देखिए फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं है, इट मींस हम कह सकते हैं 5 की पावर 0 है, सेकंड टर्म से 5 की पावर 1 है, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 कम हो जाएगी ना, n - 1, क्योंकि हर टर्म में 1 कम है। सेकंड टर्म में आपके पास 1 दे रखा है और थर्ड टर्म में 2 दे रखा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 1 कम। तो सबसे पहला टास्क आपका यही होता है बेटा कि आप nth टर्म को पहचान लो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो तरीका मैंने आपको बताया एपी का, ये तरीका बहुत यूजफुल है इस मेथड के लिए। थोड़ी प्रैक्टिस और अच्छी होने के बाद हम सीधा भी इसको बिना सॉल्व करे भी अज्यूम कर लेंगे, है ना, प्रैक्टिस जब अच्छी हो जाएगी। चलिए तो अब जो हमारा तरीका है वो क्या है कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए s/5, 1/5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, आपको दिख रहा होगा कॉमन रेशियो इज 1/5। आप कोई सा भी टर्म पकड़ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1/5 स्क्वायर, ठीक है, ये वाला जीपी का ये वाला टर्म, दैट इज डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म इज 1/5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1/5। तो 1/5 इज द कॉमन रेशियो, उस 5 मत कर देना, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं कॉमन रेशियो की, सर आप तो बता रहे थे ना नीचे नीचे जीपी चल रही है, तो नीचे जीपी है, नीचे की वैल्यू 5 है, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया, 1/5 हो गया। तो मैं इसे 1/5 से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे करके लिखूंगा, तो इट विल बिकम 1/5 + 4/5 स्क्वायर + 7/5 क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे भी जो इसका प्रीवियस टर्म होगा वो मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा, और जो ये टर्म था ये वाला टर्म एक स्टेप आगे होके हम लिख देंगे इसको, ठीक है, ये जो आपका टर्म है ये एक स्टेप आगे होके चला जाएगा, दैट इज 3n - 2/5n हो जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो हमने मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज किया इसमें कुछ भी नहीं किया, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमने कुछ नहीं किया, हमने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया और एक स्टेप आगे करके लिखा,
फाइनली अब हमें इन सबको क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही आप इन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे देखना क्या मिलता है, एस माइनस एस बाय फाइव, एस माइनस एस बाय फाइव दैट इज फोर अपॉन फाइव एस, नाउ दैट इज इक्वल टू वन। नाउ लिसन केयरफुली, जो मैं आपको बता रहा था प्रीवियसली भी, कि जब आप एक स्टेप आगे करके लिखते हैं ना, तो आपका जीपी जीपी का टर्म एक सेम हो जाता है, जीपी जीपी के टर्म सेम हो गए। भैया देखते जाओ आप लोग, मजा जाएगा आप लोगों को। देखो जीपी जीपी के टर्म सेम कैसे हो गए, कि यहाँ भी फोर अपॉन फाइव है, डिनोमिनेटर में फाइव है, यहाँ पे भी नीचे फाइव है, सही बात है ना, यहाँ पे नीचे फाइव स्क्वायर है, यहाँ पे भी नीचे फाइव स्क्वायर है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना बड़ा इजी हो जाएगा। यही करना पड़ता है भैया, डिनोमिनेटर हमेशा सेम आ जाएगा। फोर बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव दैट इज व्हाट थ्री बाय फाइव, नेक्स्ट इज व्हाट सेवन माइनस फोर दैट इज थ्री बाय फाइव स्क्वायर, नेक्स्ट इज व्हाट दैट इज थ्री अपॉन फाइव क्यूब, एंड डैश 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 यहाँ तक चलता जाएगा, यहाँ तक सॉल्व होगा, है ना, और लास्ट में इट विल बिकम नेगेटिव माइनस, क्योंकि ऊपर से कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, माइनस दैट इज थ्री एन माइनस टू अपॉन फाइव पावर एन, क्लियर है ना, थ्री एन माइनस टू अपॉन फाइव पावर एन। नाउ लिसन केयरफुली, अब जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ, आप देखिए एक चीज को आप पहले फील कीजिए, कि एक बार आपने मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज किया है ना बेटा, एक बार आप लोगों ने एमओडी का यूज किया, यहाँ पे जो आपकी सीक्वेंस है देखो, थ्री तो कॉमन आ जाएगा, इट विल कम्प्लीटली बिकम जीपी। अब ये केवल और केवल, केवल और केवल क्या बन गई है, जीपी बन गई है। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, आप फील कीजिए कि यहाँ पे वन से लेकर के लास्ट थ्री एन माइनस टू अपॉन फाइव पावर एन माइनस वन तक, दीज आर एन टर्म्स, नाउ दीज आर एन टर्म्स, और मैंने वन आगे हटा लिया, सो दीज आर एन माइनस वन टर्म्स। आई होप ये समझ में आया होगा, दीज आर एन माइनस वन टर्म्स, बस कुछ नहीं करना, अब इन सबको एड करना है, so that is 4 upon 5 s that is equals to 1 plus 1 plus, now 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 1 by 5, 1 by 5 square, जीपी के सम का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, a into r power n minus 1 upon r minus 1, सही बात है, या ऐसे भी याद करवाया था, a 1 minus r power n upon 1 minus r, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी याद करवाया था, माइनस कॉमन लेके 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, चलो यही वाला यूज कर लेते हैं। ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 1 बाय 5, सो दैट इज 1 बाय 5 बाहर लगा देते हैं, आर 1 माइनस आर पावर एन, आर आपका 1 अपॉन 5 है, आर पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास, एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि 1 बाय 5, ये बंद हो गया आपका, माइनस में आपका है 3 एन माइनस 2 अपॉन 5 पावर एन, नाउ दैट इज equals to, sorry, that is equals to 4 upon 5 s, that is equals to, मैं इसको अंदर multiply करता हूँ, एक बार देखिए 1 minus 1 by 5, नीचे क्या बचेगा, 4 by 5 हो जाएगा, है ना, ये 4 by 5, 3 by 5 आपस में क्या हो जाएंगे, cancel हो जाएंगे, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसकी जो value होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 by 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, और simply it will become 3 by 4, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका LCM लेता हूँ, that is 5 power वॉट एन माइनस वन, या फिर एलसीएम लेने की भी क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है एलसीएम लेने की भी, ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, वन माइनस वन अपॉन फाइव पावर एन माइनस वन, यस, माइनस थ्री एन माइनस टू अपॉन फाइव पावर एन, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिएगी, इसलिए मैं ये साइड वाला पोर्शन रफ करता हूँ, जो मैं आपको रफली बता रहा था, ठीक है। लास्ट स्टेप की तरफ हम पहुंच चुके हैं, अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है बेटा, है ना, और इस कैलकुलेशन पार्ट में हमें सिर्फ अब इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 एस इज इक्वल्स टू, देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बाय 4 इंटू 1 दैट इज 3 बाय 4, 3 बाय 4 प्लस 1 कितना होगा, 3 बाय 4 प्लस 1 आपका होगा 7 बाय 4, बिल्कुल सही है, 7 बाय 4 माइनस, ध्यान से देखिए माइनस, ये कुछ है 3 अपॉन 4 और नीचे है 5 पावर n माइनस 1, माइनस ऑफ पीछे है 3 n माइनस 2 और नीचे है 5 पावर n, हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे आगे का 7 बाय 4 तो वैसा रहने देते हैं, यहाँ पे भी 5 की पावर है, यहाँ पे भी 5 की पावर है, माइनस कॉमन लेके हम इन सबका अंदर एलसीएम ले डालते हैं, वो है 4 इंटू 5 पावर n, सही बात है, 4 इंटू 5 पावर n, माइनस कॉमन लिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 पावर n माइनस 1 से ये कैंसिल हुआ तो 5 बचा, सही बात है ना, 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 माइनस आपने कॉमन लिया था, यहाँ पे प्लस बचेगा, 5 पावर एन से 5 पावर एन कैंसिल हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 एन माइनस 4 2 जा 8, सो एस इज इक्वल्स टू ये 4 बाय 5 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
दैट इज 5/4 ब्रैकेट 7/4 माइनस इट विल बिकम 12 एंड 15 माइनस 8 यानी कि प्लस में 7 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 4 इनटू 5 पावर n एंड द लास्ट स्टेप इज s इज इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 35 अपॉन 16 माइनस देखिए ये 4 तो नीचे आ जाएगा सही बात है ना ये 4 तो नीचे आ जाएगा और नीचे तो आपके पास बनेगा 16 डॉट ये जो 5 है जब मल्टीप्लाई होगा 5 से एक पावर कम हो जाएगी ये कैंसिल कर देगा और ऊपर बचेगा 12 प्लस 7 और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि फाइंड सम ऑफ n टर्म्स तो आपका आंसर जो है वो n टर्म्स की फॉर्म में आया n की फॉर्म में आएगा सॉरी सम ऑफ n टर्म्स है तो ये जो मेरा आंसर है ये n की फॉर्म में आ चुका है ठीक है और चलिए ये मेरा आंसर n की फॉर्म में आ चुका है मैं इसको हटा देता हूँ ये मेरा आंसर n की फॉर्म में आ चुका है ठीक है ये तो हो गया सम ऑफ n टर्म्स आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा भाई है ना कोई दिक्कत नहीं आएगी नेक्स्ट आपको चाहिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एस इनफाइनाइट देखिए बेटा कुछ भी नहीं है एस इनफाइनाइट में हमें क्या करना होगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो 5 की पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना टफ है आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं स्टार्टिंग में ये वाला जो टर्म मैंने आपको बताया था इसको नेग्लेक्ट कर दें जो प्रीवियस क्वेश्चन था एकदम वैसा बन जाएगा ये बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स लगाना थोड़ा टफ है लेकिन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लगाना बहुत आसान है प्रीवियस क्वेश्चन हमें इतना लंबा नहीं पड़ा था क्योंकि हमने उसमें एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला यूज किया था दैट इज बेसिकली ए अपॉन 1 माइनस आर शॉर्ट एंड स्वीट बहुत छोटा सा फॉर्मूला है ठीक है ना यहाँ पे हमने सम ऑफ एन टर्म्स का यूज किया या तो आप दोबारा से पूरा सॉल्व कीजिए बट मैं आपको ओपिनियन दूंगा आप वैसा मत कीजिए ये तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए कि जब आप एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो न्यूमरेटर तो इंक्रीज होगा ही होगा बट डिनोमिनेटर पावर में है तो ये और जल्दी इंक्रीज होगा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि एक तरफ आपके पास है 12 का मल्टीपल है ऊपर 12 है और नीचे आपके पास है 5 की पावर n माइनस 1 है तो 5 की पावर तो जल्दी जल्दी बढ़ेगी क्योंकि दैट इज 5 25 125 बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी तो नीचे वाला टर्म और बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा और उस तरीके से ऊपर वाले टर्म का वैल्यू बहुत छोटा होगा नीचे वाले टर्म का वैल्यू बहुत बड़ा होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगा नियर अबाउट जीरो जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा और आपका आंसर आ जाएगा 35/16 तो इस तरीके से बहुत इजीली इसको समझ सकते ठीक है और कोई डाउट है तो हम इनिशियली इसको दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं चलिए यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए ऐसे ही बहुत सारे और क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं सो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ इसी सीरीज में सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन तो था आपके सामने नाउ दिस इज सेकंड आपको बोला है कि सम ऑफ एन टर्म्स एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपको निकालना है 3/5 5/15 नेक्स्ट है 7/45 नेक्स्ट है 9/135 प्लस सो ऑन आप फील कीजिए कि ऊपर 3, 5, 7, 19 ये जो है आपकी एपी चल रही है ऑफ कोर्स इट इज एपी नीचे 5, 15, 45, 135 ये आपकी क्या चल रही है ये आपकी जीपी चल रही है ना ये आपकी जीपी चल रही है और ये आपकी जीपी चल रही है तो ऊपर एपी है और नीचे जीपी है इसका मतलब ये एजीपी है अगर ये एजीपी है तो वही मेथड ऑफ डिफरेंस का हम यूज करेंगे उसके लिए आपके पास nth टर्म होना चाहिए नाउ nth टर्म के लिए हम क्या करते हैं वही an का फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a a इज द फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3 है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इनटू d n माइनस 1 नाउ कॉमन डिफरेंस आप फील कर सकते हैं 3 5 7 द कॉमन डिफरेंस इज 2 सो दैट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 बहुत आसान सा हो गया तो वैसे भी ऑड नंबर है सीधा आपको याद होना चाहिए 2n प्लस 1 और नीचे देखिए 5 तो इनिशियली है ही सही और हमेशा हम इंटू 3 कर रहे हैं 5 इंटू 3 15 नेक्स्ट में 15 इंटू 3 अबाउट 45 इसका मतलब कॉमन रेशियो 3 है अच्छा फर्स्ट केस में तो 3 है नहीं यानी यहाँ पे 3 की पावर 0 नेक्स्ट केस में 3 पावर 1 नेक्स्ट केस में 3 पावर 2 नेक्स्ट केस में 3 पावर 3 और ये चलता जा रहा है तो ये कुछ ऐसा हो गया 5 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है क्लियर है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है ना चलिए तो ये आपका nth टर्म आ गया बहुत इजीली अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ अगेन कॉमन रेशो कितना है 3 है तो ये s अपॉन 3 दैट अब कॉमन रेशो 5 कंसीडर मत करना बेटा क्योंकि 5 तो इनिशियली दिया हुआ था यहाँ पे है ना कॉमन रेशो सिर्फ 3 है s अपॉन 3 एक स्टेप आगे करके लिखते हैं अपन तो ये हो जाएगा आपके लिए 3/5 3 कितना हो गया यस 15 अगला 5/45 ठीक है अगला 7/
135, और लास्टली जब आप इसको एक स्टेप आगे करके लिखेंगे दैट इज 2n+1/5.3n। ठीक है भाई, मेथड ऑफ डिफरेंस का हम यूज करते हैं, उसके लिए मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इन सबको माइनस करूंगा, इन सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। याद रखना, साइन चेंज करना मत भूलना। एस कॉमन लिया तो 1 -1/3 कितना होगा, 2/3 s, है ना। वैसे तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, बट फिर भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, ये वाला कंप्लीट। दैट इज 3/5 + क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना। 5/15 - 3/15 कितना होगा, 2/15 होगा। 7/45 - 5/45 कितना होगा, अगेन 2/45 होगा। नेक्स्ट अगेन कितना होगा, 2/135 होगा। और ये कहानी यहाँ तक चलती रहेगी, लास्टली यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस है ना, और ये बनेगा 2n+1/5 × 3n। अगेन आप फील कर सकते हैं बेटा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी क्या हो गई, जीपी हो गई। अगेन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n-1 टर्म हो गए, क्योंकि ये एक टर्म आगे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। सही है, वो जीपी का पार्ट नहीं है। दैट इज इक्वल टू 3/5 अपनी जगह पे, और जीपी लगानी है। सो दैट इज फर्स्ट टर्म ए, दैट इज 2/15 a × r। r है कॉमन रेशियो, इस केस में कॉमन रेशियो कितना है, 1/3। वही कॉमन रेशियो जो आपने यहाँ पे इसको लेते टाइम मल्टीप्लाई किया था। सो 1 - r/n है ना, 1 - r/n/1 - r। क्लियर है, 1 - 1/3। क्लियर है, हमने एस एन का फॉर्मूला कौन सा यूज किया, a × r/n/1 - r। मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है नंबर ऑफ टर्म्स में। यस, इसको चेंज करते हैं, 1/ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, n-1। तो हमने फॉर्मूला यूज किया एस एन, दैट इज इक्वल टू बता दूं a × 1 - r/n/1 - r। तो r/n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n-1। अब सही है, अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 - 1/3, बिल्कुल सही है। एंड माइनस में कितना है, 2n+1 अपॉन में कितना है, 5 × 3 - 5 × 3 n। चलिए, नाउ दैट इज इक्वल्स टू, देखिए 1 - 1/3 इज व्हाट, 2/3। 2/3 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से कैंसिल करूंगा तो 3 से कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। इट विल बिकम 3/5 + नाउ 1/5 × 1 इज व्हाट, 1/5, ठीक है, -1/5 × 3 n-1 -2n+1/5 × 3 n। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इट विल बिकम 4/5। यस बिल्कुल सही है, 4/5 बिल्कुल सही है, 4/5 माइनस, अगर मैं इन सब से कॉमन लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, कॉमन के एलसीएम लेता हूँ बेसिकली, माइनस तो बाहर आएगी, 5 × 3 n। सही बात है, 5 × 3 n। नाउ 5 × 3 n है बेटा, और 5 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका डिवाइड इसमें लगाओगे आपको सिर्फ 3 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर n -1 है और यहाँ पे 3 की पावर n है। प्लस प्लस क्यों आया, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले चुके हो, 5.3 n से पूरा कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 2n+1। ओके, नाउ दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं बीच में। चलिए, तो दैट इज इक्वल्स टू, ये है आपके पास 2/3 s, दैट इज इक्वल्स टू 4/5 माइनस, देखिए ऊपर 2n+4 हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, अपॉन नीचे 5 अपनी जगह पर है ही सही, .3 n हो जाएगा। सही बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इस 2/3 का, तो ये बन जाएगा 3/2, और इस पूरे में से 2/5 भी कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखना, ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और नीचे ये रहा 5 और देखो ये रहा 5, 2/5 कॉमन आया, 2/5 कॉमन आते ही तो बच गया 2 माइनस, यहाँ क्या बच गया, n+2/3 n, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपकी वैल्यू है 3/5 ब्रैकेट में 2 - n+2/3 n। तो ये आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ एन टर्म्स आ गया बहुत इजीली, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द आंसर फाइनल। और अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स के साथ साथ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी चाहिए, जैसा मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुका हूँ कि ये है लीनियर और ये है एक्सपोनेंशियल, जब आप पावर इंक्रीज करते हैं तो लीनियर टर्म धीरे धीरे बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल टर्म बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो इट विल नियरली अबाउट टेंडिंग टू 0। ये किसकी तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ बढ़ेगा, और जब ये 0 की तरफ बढ़ेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5 × 2, यानी कि 6/5। ठीक है, इस तरीके से ये AGP का आपका आंसर है। एक चीज मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
कि जब आपके पास एजीपी होती है, इनिशियल स्टेप यही है बेटा कि आप एजीपी पहचानो। जैसे यहाँ पे मैंने पहचाना ना 3579 ये सब क्या है, जीपी है, और नीचे 5 15 45 क्या है, सॉरी 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 3579 क्या है, एपी है, नीचे 5 15 45 135 क्या है, जीपी है। एजीपी में जैसे ही आप एक बार एमओडी का यूज करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस का, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जीपी। बस यही मेरा पॉइंट है ना। तो जब भी आप एजीपी देखें मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज कर लें। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, यहाँ पर इसे नोट कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज आपको अगेन सम निकालना है और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है। दैट इज 3/19, नेक्स्ट है 33/19 स्क्वायर, नेक्स्ट है 333/19 क्यूब, नेक्स्ट है 3333 टाइम्स 19^4 एंड अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन क्यों है, अब गौर से देखना कि पहला ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया जब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो एजीपी में नहीं है, है ना। आप देखिए इसको नीचे की तरफ, मैं आपको रफली शो करता हूँ, आप इसको नीचे की तरफ फील कीजिएगा कि 1/19, अगला स्टेप 1/19 स्क्वायर, अगला स्टेप 1/19 क्यूब एंड सो ऑन। बिल्कुल सही है भैया, ये तो एकदम क्या है, जीपी। मजा आ गया, ठीक है भैया, ये तो एकदम जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है। पर इस बार जो प्रॉब्लम क्रिएट की है वो न्यूमरेटर ने क्रिएट की है। ये है 333, ये एक पैटर्न तो दिख रहा होगा आपको, इट्स अ पैटर्न, यस, लेकिन ये एपी में नहीं है। तो इस बार ये एपी में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जो एजीपी में नहीं होते हैं, जिसमें पक्का आपको जीपी तो दिख जाए और साथ में एक क्या दिखे, पैटर्न दिखे, या चलो पैटर्न नहीं भी दिखे पर जीपी दिख जाए, तो समझ जाना ये एजीपी से भी एक स्टेप एडवांस क्वेश्चन है। इसमें भी हमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, एमओडी का ही यूज करना है, मेथड ऑफ डिफरेंस का। चलिए है ना, एक स्टेप लगाएंगे तो आपको फील आ जाएगा, एक स्टेप लगाएंगे तो फील कैसे आएगा। नाउ मैं क्या करता हूँ, एमओडी का तरीका, मैं कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करता हूँ। कॉमन रेशो आप यहाँ से फील कर सकते हैं कि इसको ये पहुंचाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 1/19 से, यस। इसमें इसका डिवाइड भी देके चेक कर सकते हैं, कॉमन रेशो 1/19 है, इट विल बिकम एस अपॉन 19, दैट इज इक्वल्स टू कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे 3/19 स्क्वायर प्लस 333/19 क्यूब प्लस 4 × 3/ एक गड़बड़ है, यस एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है, दैट इज नॉट 333, है ना। हाँ 3/19 स्क्वायर, अगला स्टेप तो ये है ना 33/19 क्यूब, अब सही है। नेक्स्ट है 333/19^4 एंड दैट इज गोज अप टू इंफिनिटी। मैंने आपको बताया जब आपके पास इनफाइनाइट टर्म हो तो लास्ट टर्म को ध्यान नहीं रखना पड़ता। अगर ये इनफाइनाइट टर्म नहीं होती, अगर ये एन टर्म्स होती तो मुझे लास्ट टर्म का भी ध्यान रखना पड़ता। अब मुझे कुछ नहीं, बस इनको क्या करना है, माइनस करना है, मेथड ऑफ डिफरेंस है, मुझे सिर्फ इनको माइनस करना है। जैसे ही आप माइनस कर लेंगे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट बेटा एस माइनस एस बाय 19 इज व्हाट 18/19 एस, दैट इज इक्वल्स टू 3/19। अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 33-3 दैट इज 30/19 स्क्वायर, नेक्स्ट 333-33 दैट इज 300/19 क्यूब, नेक्स्ट इज 3000/19^4 एंड दैट इज गोज अप टू इंफिनिटी। हम एक काम क्यों नहीं करते हैं, हम एक काम ही करते हैं, इस पूरे में से हम 3 को कॉमन निकाल देते हैं। जैसे ही हम पूरे में से 3 कॉमन निकालेंगे व्हाट विल बी गेट 10/19 प्लस नेक्स्ट इज व्हाट 10/19 क्यूब, सॉरी 1/19 ना, 1/19, नेक्स्ट इज व्हाट 10/19 स्क्वायर, नेक्स्ट इज व्हाट 100 बचेगा, 100 को वी कैन राइट 10^19 क्यूब, अगला क्या बचेगा 1000 विल राइट 10^3 यस 19^4 एंड सो ऑन। आप फील करेंगे कि यहाँ पे ये 1/19 है, 1/19 से अगला टर्म अगर आपको चाहिए तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 10/19 से, सिंपली बात है। चलो मैं रफली आपको दिखाता हूँ कि 10/19 स्क्वायर अपॉन 1/19, 19 से 19 कट गया, दैट इज व्हाट 10/19। सिंपली अगला स्टेप भी देखिए 10^2/19 क्यूब में किसका डिवाइड दिया, 10/19 स्क्वायर का, इससे ये कट गया, 10 से कट गया, अगेन 10/19। इसका मतलब ये कंप्लीट जो सीरीज आपके पास आई है, मजे की बात है, ये पूरी सीरीज किस में आ गई है, जीपी में आ गई है ना।
इसका मतलब क्या है कि एक नई चीज हमें यहाँ से ही सीखने को मिलती है बेटा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, एक नई चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो एजीपी में भी नहीं है, अगर आपका क्वेश्चन एजीपी में भी नहीं है, उससे भी एक स्टेप आगे है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको उसमें सेम मेथड यूज करना है। मैं इसको नाम दे रहा हूँ एडवांस्ड एजीपी, है ना, ये मैंने मन से दिया है एडवांस्ड एजीपी, ताकि आपको याद रहे, एजीपी से भी एक स्टेप आगे है ना बेटा। तो आप जैसे ही इसमें एमओडी लगाते हैं ना, मेथड ऑफ डिफरेंस, ये फिर नॉर्मल एजीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी है तो सीधा जीपी में भी आ जाता है। और जब आप एजीपी में एक और बार लगाते हैं ना मेथड ऑफ डिफरेंस, तब जाके ये किसमें कन्वर्ट होता है, तब जाके ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तब जाके ये जीपी में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपको एमओडी एक बार नहीं, कितनी बार लगाना पड़ता है, 2 बार। और आप बहुत ज्यादा लकी हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, जैसा क्वेश्चन ये रहा यहाँ पे, है ना, जिसमें मैंने डबल स्टार लगाया, तो कभी कभी 2 बार की जगह 1 बार में भी काम चल जाता है। बट ऐसे क्वेश्चन में आपको कितनी बार, मार्क माई वर्ड्स अच्छे से लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के, ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 बार लगाना पड़ता है। नाउ इट इज वेरी इजी राइट नाउ, 3 अपनी जगह पर है। जीपी में इनफाइनाइट का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/(1-r), a is 1/19 / 1 - the common ratio is 10/19, दैट इज इक्वल्स टू 3/19 कंप्लीट डिवाइडेड बाय, दैट इज आई थिंक 9/19, 19 से 19 कट गया, दैट इज 3/9, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1/3। बहुत शॉर्ट एंड बहुत स्वीट सा आपका आंसर, अच्छा आंसर थोड़ी आया अभी, तो ये 18/19 यहाँ पर है ना, ठीक है ना, सो दैट इज इक्वल्स टू 18/19, s इज इक्वल्स टू 1/3, नाउ s इज इक्वल्स टू 19 तो ऊपर गया और 18 नीचे, 18 3 = 54, 19/54, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरीके से हम इन एजीपी के क्वेश्चंस को क्या किया करते हैं, सॉल्व किया करते हैं। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको एक स्टेप आगे लेकर के जाता हूं। आई होप एजीपी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट जो मेरे पास आप लोगों के लिए टॉपिक है ना, दैट इज सिग्मा नोटेशन, ठीक है यार। ये सिग्मा नोटेशन क्या है, हल्का फुल्का हमारा पाला इससे पहले पढ़ चुका है सिग्मा नोटेशन से, ठीक है, मैं आपको एक बार और अच्छे से यहाँ पे बताता हूँ। याद कीजिए एपी के अंदर मैंने आपको प्रूफ करवाया था 1+2+3+4--up to n terms, यस, इसे हमने बोला था सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसे शॉर्ट में मैंने सिग्मा एन लिखा था, है ना, या कभी कभी मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ चाहूँ तो सिग्मा आई करके। और आई कहाँ से कहाँ देखे भैया, आई आपके पास है 1 से n तक, ये तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई 1 से n तक। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो वर्ड है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल इसी को हम सिग्मा बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सम, समेशन होता है ना। तो इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4 से n तक अगर मुझे एड करना है, सो इसको शॉर्ट में हम सिग्मा एन बोलेंगे। मैं कभी कभी आई लगाता भी नहीं हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। और सिग्मा आई 1 से n लगाते हो तो दैट इज प्योरली करेक्ट, बिल्कुल सही होगा ये, ठीक है। अब आई की जगह एक बार 1 पुट करना है, 1 बार 2 1 बार 3, और करते करते n तक जाना है, और सिग्मा है तो बीच में सम लगाना है। तो ये हो गया, आई की जगह 1 पुट किया, देन सिग्मा की वजह से प्लस आया, देन फिर आई की जगह 2 पुट किया, देन सिग्मा की वजह से प्लस आया, एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो मेरे पास शॉर्ट में मैं लिखूंगा सिग्मा एन है, दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n(n+1)/2, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी तरीके से हमें सेकंड फॉर्मूला जो याद रखना है, दैट इज सिग्मा एन स्क्वायर, यानी कि दैट इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एंड दैट इज गोज अप टू एन स्क्वायर। याद रखिए बेटा ये, है ना, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होता है n(n+1)(2n+1)/6, ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप जरूर जरूर याद रखिए, दैट इज n(n+1)(2n+1)/6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे तो मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देता हूँ, हालांकि वो जो मेथड है वो क्वेश्चंस में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप उसे याद रखें, बट एक अच्छा टेक्निक है, प्रूफ आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, हालांकि क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जब भी आपको समेशन चाहिए होता है किसी पावर का, जैसे फॉर एग्जाम्पल में फ्यूचर में अगर आपको नीड पड़ती है 1/4, 2/4, 3/4 इसकी, हालांकि नहीं पड़ेगी, पर अगर आप निकालना चाहते हैं n/4 तक का, तो आप इससे एक पावर ज्यादा, मतलब जो इसकी पावर है +1 लेके स्टार्ट कीजिए। मतलब 4 है तो मैं 5 लेके स्टार्ट करूंगा, या 2 है तो मैं 3 लेके स्टार्ट करूंगा, ना आई विल गो बाय दिस कि यार मैं k+1 पावर n - k पावर n निकालूंगा। नाउ n इज व्हाट, n आपके पास वो है
जितना आपके पास यहाँ पे ये पावर प्लस वन वैल्यू आती है, तो एन आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास पावर टू है यानी कि आपको स्क्वेयर्स का सम चाहिए तो आप क्यूब लिखिए। अगर मेरे पास पावर फोर होती तो मैं स्टार्ट करता के प्लस वन पावर फाइव माइनस के पावर फाइव। अब इसको आप सॉल्व करके यहाँ लिख दीजिए। इसको अगर मैं रफली सॉल्व करूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर एंड माइनस का के क्यूब है, के क्यूब से के क्यूब कट गया, ये सिंपली बचा थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस वन। और अब आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करनी है, स्टार्ट होते जाइए k बराबर 1 से। अगर मैं k को 1 रखूंगा तो इट विल बिकम 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। नेक्स्ट k इज इक्वल्स टू 2 रख दीजिए, इट विल बिकम 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे भी तो चलेगा ना, 3 टाइम्स बिल्कुल ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 3 टाइम्स 1। सॉल्व मत कर देना भैया, पैटर्न क्रिएट करना है, ऐसे क्वेश्चन पैटर्न बनाकर ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन ही कि पता पड़े तुम तो इसी को सॉल्व कर डालो, पैटर्न क्रिएट करना है। That is 2 का square plus 3 times 2 plus 1. Very good. और ये प्रोसीजर आप चलने दीजिए फाइनली k is equals to n तक। सही बात है बेटा, k is equals to n तक। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा n plus 1 का whole cube minus का n cube. Now that is equals to 3 times n square plus 3 times n plus 1. सही है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली इन सबको एड करना है, नथिंग, बस इतना सा काम आपको करना है। आप सिंपली इसको ऐड कर दीजिए, फील करना भाई कि मैंने आपको ये जो है, ये बारे में एक लाइन और लगा देता हूँ कि मैंने आपको यहाँ से ये वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करवाई है। अगर मैंने आपको यहाँ से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करवाई है तो ये देखिए, ये जो ऐड करते टाइम क्या होगा कि ये 2 क्यूब से ये 2 क्यूब तो कट जाएगा, सिंपली 3 क्यूब से अगला वाला 3 क्यूब कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जितने भी होंगे वो इन सब को कैंसिल कर देंगे, एन क्यूब से प्रीवियसली एन क्यूब कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास बचेगा n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। नाउ दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप फील कीजिएगा, इस पूरे के अंदर से 3 हम कॉमन निकालते हैं, 3 हम कॉमन निकालते हैं तो अगला आपके पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो यही चीज बचेगी जिसका आपको फॉर्मूला चाहिए। इसको शॉर्ट में मैंने लिखा सिग्मा एन स्क्वायर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए हम एक स्टेप ज्यादा लेके स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि अगर आप एक स्टेप ज्यादा लेके स्टार्ट करोगे ना तो वो रिड्यूस होके, देखिए आप के क्यूब से के क्यूब तो कट ही गया था ना, एक स्टेप ज्यादा लेके मतलब एक पावर ज्यादा लेके स्टार्ट करोगे तो एक तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास एक कम पावर आ जाएगी और एक कम पावर वही आएगी जिसका फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है, प्लस थ्री टाइम्स इन सब का एडिशन क्या हो जाएगा, सिग्मा एन हो जाएगा, और 1 1 1 एन टाइम्स करोगे तो एन हो जाएगा। दैट इज वेरी मच इजी। ठीक है, और इसके बाद ये सब तो मैं रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद कुछ नहीं है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूले को ओपन करना है, n प्लस 1 का होल क्यूब सॉल्व करना है जो आपको चाहिए उसके लिए। तो वी जस्ट सिंपली नीड टू सॉल्व इट, और वो हम स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज n क्यूब प्लस 1 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स जो वैल्यू मुझे चाहिए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए चलो ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, दैट इज सिग्मा n स्क्वायर एंड प्लस, एक मिनट, यहाँ माइनस वन भी था, प्लस इसको मैं लिखता हूँ 3 टाइम्स n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और ये रहा प्लस n, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू के लिए सबको माइनस में भेज देते हैं। दैट इज 3 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 2 माइनस n। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल्स टू, इसको ओपन कैसे करें, पहली बात तो आप चाहे तो पहले एलसीएम ले लें, पूरे में से n बाई 2 कॉमन ले लें, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, है ना, एक साथ पूरे में से n बाई 2 कॉमन लिया तो इट विल बिकम 2n स्क्वायर। आई होप n बाई 2 का मतलब समझ में आ रहा है, एलसीएम 2 ले लिया मैंने, है ना, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 6n हो जाएगा बेटा, प्लस ये आपके पास 6 हो जाएगा, माइनस ये आपके पास हो जाएगा 3n माइनस 3 और ये आपके पास हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा भाई, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आई थिंक बिल्कुल सही है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एन बाई 2, नाउ ब्रैकेट में ये बचा 2n स्क्वायर, नाउ 6n माइनस 3n इट विल बिकम 3n, 6 माइनस 3 माइनस 2 इट विल बिकम प्लस 1, और फाइनली आपको सिर्फ इसे फैक्टराइज करना है, सिग्मा एन स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ये 3 डिवाइड में आ गया, ये बन गया n बाय 6, जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो यू विल गेट n प्लस 1 और 2n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और ये आपका वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको यहाँ बताया,
एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके के फॉर्मुलेस को हम लोग डिराइव करते हैं। अब अगर मान लीजिए नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट मुझे चाहिए वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब डैश डैश अप टू एन क्यूब, तो आप क्या करेंगे बेटा, आई होप ये कलर विजिबल हुआ है ना, आप क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ पे पावर कितनी लेके स्टार्ट करेंगे, फोर लेके स्टार्ट करेंगे, और जब आप पूरा प्रोसेस करेंगे तो आपके पास आएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। यस, ये जो अंदर फॉर्मूला है ये सिग्मा एन का ही फॉर्मूला है, ये वाला बस इसका होल स्क्वायर हो जाता है, याद करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो फॉर्मूला वॉर्मूला दोबारा इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपली इस प्रूफ इस मेथड को याद रख सकते हैं और आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं। तो ये जो सिग्मा नोटेशन है और ये जो फॉर्मूलेज है इसका अब हम जबरदस्त यूज करने वाले हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को हल्का सा पॉज कीजिए, ठीक है, और ये नोट कीजिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। चलिए नाउ आपका जो क्वेश्चन है या टॉपिक है दैट इज एक्चुअली मिसलेनियस सीक्वेंसेस। देखिए कुछ सीक्वेंसेस मिसलेनियस होती है, मतलब नहीं वो एपी में होती है नहीं वो जीपी में होती है, तो वो सिग्मा नोटेशन की हेल्प से सॉल्व होती है जो मैं आपको अभी अभी बता रहा था। तो इससे पहले मैं आपको सिग्मा नोटेशन के एक दो छोटे छोटे रूल्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए सिग्मा नोटेशन के रूल्स क्या है, इसमें पहला जो रूल है सिग्मा नोटेशन का वो ये है कि अगर आपके पास कभी भी सिग्मा और यहाँ पे क्या होता है आई या आर बराबर वन से एन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कुछ ए आर प्लस बी आर इस तरीके से हो तो उसको क्या करना है, फील कीजिए आपका सिग्मा किस पे एप्लीकेबल है, वो आर पे एप्लीकेबल है, मतलब ये भी एक तरीके से आपका वेरिएबल, ये भी एक तरीके से आपका वेरिएबल है, आपका सिग्मा अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है, पहला रूल बेहद आसान है, कभी इस तरीके से आए तो आप उस सिग्मा को अलग अलग अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सही बात है ना, ये फर्स्ट रूल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, सिग्मा को आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे मल्टीप्लीकेशन नहीं होता ए इंटू एक्स प्लस वाई हो तो हम अंदर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ए एक्स प्लस ए वाई, कुछ उसी तरीके से। सेकेंड है आपके पास एडिशन के बाद है कि अगर साथ में कुछ कॉन्स्टेंट आए कि आर बराबर वन से लेकर के एन के टाइम्स ए आर हो, फील कीजिए आपका जो सिग्मा यहाँ पे मैंने लगाया है ये आर पे लगाया है, तो के तो बेचारा कैसी क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, के तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आप अपने सिग्मा से बाहर ले सकते हैं विदाउट एनी डाउट, वेरिएबल नहीं ले सकते, याद रखना। अब आप सोचो कि सर ए और आर भी ले लें, ए आर भी ले लें, इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ये जो है भैया ए आर ये आपका वेरिएबल है जिसपे सिग्मा लग रहा है, तो कॉन्स्टेंट आप बाहर ले सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद जो थर्ड है आपकी प्रॉपर्टी दैट इज समेशन के आर बराबर वन से एंड, ये बहुत काम आती है ना, वैसे तो तीनों ही बहुत काम आती है पर ये आपको सीधा भी याद रखना है के वन से लेकर एंड। अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया कि देखो जरा वापस से कि यार ये जो है ये तो वही वाला कॉन्स्टेंट आ गया क्या, ये वाला कॉन्स्टेंट, बिल्कुल, तो अगर ये वही वाला कॉन्स्टेंट आ गया ये तो बाहर आ जाएगा, के समेशन आपके पास वन बचेगा दैट इज आर इज इक्वल्स टू वन से लेकर के एन, और इसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यहाँ पे एन टर्म्स है तो वैल्यू एन हो जाएगी, क्यों होगी वो आपको फील करवाता हूँ। के डॉट समेशन, देखो ये जो समेशन है आर पे लग रहा है, इस वन को तो मैं आर पावर जीरो लिख सकता हूँ, सही बात है ना, इस वन को मैं आर पावर जीरो लिख सकता हूँ, जैसे ही मैंने इस वन को आर पावर जीरो लिखा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, अब मैं जैसे ही ओपन कर दूंगा वन पावर जीरो प्लस टू पावर जीरो प्लस थ्री पावर जीरो, सही बात है, समेशन कहाँ था एन पावर जीरो, क्योंकि पावर जीरो है तो सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, और ये एन टर्म्स है तो एन टाइम्स हो जाएगी दैट इज पी एन। तो ये सीधा याद रखिए भैया आपकी सिग्मा वन और ये आर बराबर वन से लेकर के एन दैट इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। अच्छा सिमिलरली मैं बोलूँ सिग्मा आर की जगह मान लो मैं बोलूँ सिग्मा के बराबर वन से लेकर के फोर एन डॉट वन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आर हो या के हो, के होगा तो मैं इसको की पावर जीरो कर दूंगा, यहाँ पे वन से फोर एन तक है तो नंबर ऑफ टर्म्स फोर एन है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर एन हो जाएगी, वहां पे एन टर्म्स से तो वैल्यू एन थी, यहाँ फोर एन टर्म्स से तो वैल्यू फोर एन हो जाएगी, ठीक है। ये जो दो तीन छोटे छोटे से मैंने आपको बताए हैं इन्हीं के इन्हीं का यूज करते हुए हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सिग्मा नोटेशन को इनको मिक्स यूज करते हुए एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, दैट इज सेवन स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर से लेकर के भैया ये है आपके पास ट्वेंटी स्क्वायर तक, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं मेरा फॉर्मूला यूज कर दूंगा सीधा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दैट इज ओनली वैलिड व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वन से स्टार्ट करना पड़ेगा तभी ये वैलिड है, कि ये होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अगर ये वन से स्टार्ट नहीं है तो ये फॉर्मूला आप नहीं यूज कर सकते,
तो फिर क्या करें, सीधा सॉल्व नहीं करना है, फॉर्मूला यूज करना है, जो टर्म्स गायब है उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। भाई ये 7 से शुरू है, आओ इसको 1 से स्टार्ट करवा देते हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से लेकर के 20 स्क्वायर तक। अब मैंने मेरे मन से जो ऐड किया है उतनी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया था, मैंने इसको 6 स्क्वायर तक ऐड किया था, तो उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। सही बात है, n कितना है 20 है, क्योंकि 20 तक जा रहा है, n into n plus 1 into 2n+1/6 माइनस यहाँ पे 6 तक जा रहा है, n into n plus 1 into 2n+1/6। और अब आप इसको सिंपली सॉल्व कीजिए और आपका काम हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, 3 से कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, दैट इज 70 into 41 minus 7 into 13। आप 7 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 410 माइनस 13, इसमें से 13 सब्ट्रैक्ट करके 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। आई होप ये समझ आ रहा होगा, इस तरीके से हम यहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, और एक बार बहुत अच्छे से जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो रिवाइज कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि जो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे उनमें हमें एजीपी यानी मेथड ऑफ डिफरेंस का भी यूज करना है, प्लस सिग्मा नोटेशन का भी यूज करना है, दोनों को कंबाइंड फॉर्म से हम यूज करेंगे। तो आप इसको यहाँ पे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। चलिए, थैंक यू।